कहीं पर सत्य बोलना धर्म है तो कहीं पर झूठ बोलना धर्म होता है। कोई कसाई गाय को लेके जा रहा है और कसाई के हाथ से गाय छूट के आपके आगे से निकल जाए और कसाई आपसे पूछे कि भैया गाय किस तरफ गई, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि गाय सही बताएंगे? तो सही बोलना पाप लग जाएगा, क्योंकि वो पकड़ लेगा और मार डालेगा। तो वहां पर सत्य बोलना पाप है। फिर वहां क्या करना चाहिए? वहां चुप रहना चाहिए, पूछता रहे तू। वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि झूठ बोल दो, ना, झूठ के पक्षधर नहीं है हम। वहां पर चुप रहो, पर वहां यदि आपने सच बोला, ज्यादा सत्यवादी बने तो पाप लगेगा। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। वैसे ये स्थितियां आपके जीवन में, पूरी जिंदगी में एक दो बार आती होंगी। सामान्य जिंदगी में हमें सच ही बोलना चाहिए। जो आजकल लोग कहते हैं महाराज जी सच्चाई का तो जमाना ही नहीं रहा, सच बोलेंगे तो दुकान नहीं चलेगी। ना साहब, सच बोलने से दुकान ही क्या सारी जिंदगी चलती है। तुम विश्वास नहीं करते सच पर, इसलिए परेशान हो। वरना सच्चाई आज यदि सब टिका हुआ है तो कहीं ना कहीं सच्चाई के बल पर टिका हुआ। इसलिए सच बोलना सीखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया सत्य बनाए रखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। पत्नी का धर्म क्या है? पति को गालियां देना, पति को मारना, अपमान करना? नहीं, पति की सेवा। नारी का धर्म है पति की सेवा। पुत्र का धर्म क्या है? यदि बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके, बीमारी में छोड़ करके, असहाय छोड़ करके तीर्थ यात्रा में पुण्य करने निकलता है तो वो पाप है। उसका धर्म है माँ बाप की सेवा करना। तो आपका जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म, उस वो तो मूल धर्म है, लेकिन व्यक्ति विशेष के भी तो धर्म होते हैं। तो आपको धर्म का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप दुकानदार हैं तो आपका भी एक धर्म होगा, ग्राहक भगवान होता है। इसलिए धर्म तो हर जगह चलता है। यदि आपके अंदर से धर्म मर गया। अच्छा, रावण के अंदर धर्म था या नहीं? उत्तर दो जोर से। रावण के अंदर धर्म था या नहीं? बोलो हाँ या ना। था? और राम जी के अंदर धर्म था या नहीं? था या नहीं? रावण के अंदर भी धर्म था आपके हिसाब से, और राम के भी अंदर धर्म था आपके हिसाब से, तो दोनों धर्म में भारी किसका धर्म था? जोर से, किसका? राम जी का। मेरी मां मंदोदरी यहीं की है, इसलिए आप रावण का पक्ष ले रही हो। जमाई राजा का है। रावण के अंदर धर्म नहीं था, धर्म था राम जी के अंदर। रावण के अंदर धर्म होता तो वह किसी स्त्री का हरण क्यों करता? जिसके अंदर धर्म होगा वो ये काम करेगा क्यों? जिसके अंदर का धर्म मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वही ये उल्टे काम करेगा। अब कोई आदमी झूठ बोले और कहे जी मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, तो या तो तू धर्मात्मा हो सकता है तो सत्यवादी नहीं हो सकता, और सत्यवादी होगा तो फिर बेईमान नहीं हो सकता। रावण धनवान था, सोने की लंका का राजा था, लेकिन रावण के अंदर धर्म नहीं था। धर्म होता तो सीता मां के पहले भी उसने ना जाने कितनी स्त्रियों को अपहरण किया और उनके साथ दुराचार किया। रावण जो उसे सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती उठा कर ले आता, ऐसा था।
इसलिए रावण को हम धनवान कह सकते हैं, धर्मात्मा नहीं कह सकते। धर्म रावण के पक्ष में नहीं था, धर्म तो राम के पक्ष में था कि राम के पास भी एक स्त्री आई, कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो। उसने भी राम को विवाह का ऑफर दिया, राम जी ने पराई स्त्री को देखा तक नहीं। राम का यही तो धर्म उन्हें महान बनाता है। इसलिए था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा तो करोगे क्या। इसलिए धन से बड़ा कौन।